All right guys, क्या हाल है फेलो के, मेरा नाम है कार्तिक और ये है OnePlus Nord CE 3 Lite। काफी लंबा नाम है बाय द वे, लेकिन फोन की जो हिस्ट्री है वो भी काफी लंबी होती चली जा रही है अभी। सो यस, पहली चीज हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है, दूसरी चीज एग्जैक्ट कॉपी है। तो देखो इस फोन को एक बार आप, और हमने एक दो महीने पहले एग्जैक्टली एक फोन टेस्ट किया था Realme 10 Pro। अब वहां पे फर्क सिर्फ इतना इन दोनों फोन्स के अंदर, वहां पे दो कैमरा थे 108 मेगापिक्सल और पूरे 2 मेगापिक्सल, और यहां पे ये फर्क है कि इसके अंदर एग्जैक्टली एक कैमरा पूरे के पूरे 2 मेगापिक्सल का और एक्स्ट्रा है। दूसरी चीज, पता नहीं क्यों OnePlus वाले अपनी एक्सक्लूसिविटी जो थी ना वो पूरी खत्म कर रहे हैं। पहले मुझे अच्छा लगता था जब इनकी एक्सक्लूसिविटी होती थी, एक ही साल में एक दो फोन लॉन्च करेंगे या तीन फोन लॉन्च करेंगे, ज्यादा नहीं। अभी दूसरी बार है कि जो OnePlus को मैंने पकड़ा है कॉपी करते हुए, तो एक फोन आया था Oppo A57 जो हमने हाल फिलहाल में टेस्ट किया था, जो कि कॉपी था N20 के साथ में, आई गेस लगभग 15,000 की सेगमेंट में वो फोन आ रहा था। तो एग्जैक्ट कॉपी, और उसके अंदर लिटरली MediaTek का G35 दिया हुआ था। नहीं, सो लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। तो सबसे पहले डिजाइन की यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। सो पहली चीज, ये ग्लॉसी बैक के साथ में अपना फेस जो है इसके अंदर आपको आराम से दिख जाएगा। OnePlus इस कलर को बोलता है पेस्टल लाइम, और पूरी तरीके से पीछे की साइड में प्लास्टिक, और यहाँ पे दो बड़े बड़े रिंग्स जो अभी ट्रेंड चल रहा है काफी सारे फोन के अंदर आ रहा है, और ऊपर यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, यहाँ पे दो मेगापिक्सल के बहुत ही भारी कैमरा दे रखे हैं। सो यस, साइड में यहाँ पे हमारे पास फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और इस साइड पे वॉल्यूम रॉकर है, और ये साइड पर्टिकुलरली वॉल्यूम वाली मेरे को पसंद नहीं आती, पता नहीं हैंडल करने मुझे दिक्कत होती है, मुझे जस्ट इसके ऊपर चाहिए होता है, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है कि तीनों ही एक ही साथ में अपन हैंडल कर सकते हैं। और अगर मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो यस, एक्चुअली इट इज प्रिटी फास्ट। और आगे की साइड पे हमारे पास में 16 मेगापिक्सल कैमरा है। तो पर्टिकुलर डिस्प्ले की बात करूं, ये एक IPS पैनल है, और 120 हर्ट्ज की बात करें तो यस, YouTube के अंदर थोड़ा सा लैग करता है, एग्जैक्टली ये 120 हर्ट्ज नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर आते हो तो यस, ये 120 हर्ट्ज है, और एक्चुअली ये सही से काम करता है। इसका भी वही सीन है, कुछ एप्लीकेशन के लिए इसका 120 हर्ट्ज ऑप्टिमाइज नहीं होगा, सो कॉल्ड 120 हर्ट्ज जो आजकल बहुत सारे फोन्स के अंदर आ रहा है, बहुत सारे एप्लीकेशन के अंदर कंप्लीटली काम नहीं करता है। दूसरी चीज, फोन बड़ा है 6.72 इंचेस का, सो सिंगल हैंडेडली यूज करना तो ऑब्वियसली भारी होने वाला है, लेकिन डिस्प्ले की अगर क्वालिटी की बात करूं, पर्टिकुलरली ब्लैक एंड व्हाइट्स के बीच में जो डिफरेंस एमोलेड में आने वाला है वो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं आएगा। एंड देन लुक एट द ब्राइटनेस, कलर्स और सैचुरेशंस काफी सही है। एंगल्स की बात करूं, थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा एंगल्स के ऊपर, तो क्रिस्पी है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। सो यस, डिस्प्ले सही है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे प्रॉब्लम वाली चीज भी है, वो है क्वालिटी। अब ये पर्टिकुलरली निकल के आता है इसके प्रोसेसर की वजह से, बिकॉज 695 जो है वो 1080p 60fps से ऊपर सपोर्ट ही नहीं करता, सो मैक्सिमम जो है वो 1080p 60fps पे वीडियो को चला सकता हूं। एट द सेम टाइम अगर मैं इसकी बेजल्स की बात करूं यहां पे, तो ऊपर की साइड में बहुत ही कम बेजल्स हैं, और नीचे की साइड पे भी यहां पे बेजल्स जो है वो काफी कम है, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बोलूंगा एक बार के लिए ठीक है। सो यस, डिस्प्ले के मामले में नो प्रॉब्लम। बॉक्स कंटेंट की बात करूं, सो यस, यहां पे एक हमें टीपीयू केस मिल जाता है नॉर्मल, और बॉक्स कुछ इस तरीके से है। एट द सेम टाइम कुछ स्टिकर नोड के जो फोन के पीछे लगा सकते हो, और ये रेड क्लब का जो हमेशा इनके साथ में आता है वो भी चीज हमारे पास में यहाँ पे है, और ये चीज थोड़ी सी यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। पहली चीज, 80 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिलता है, लेकिन फोन सपोर्ट करता है 67 वॉट को, फुल चार्ज करने में स्टिल 45-50 मिनट ले लेता है, और अगर थोड़ा गर्मी वाला माहौल है तो थोड़ा एक घंटे जितना ले सकता है, बिकॉज फोन गर्मी में स्लो चार्ज होता है, इट इज ट्रू। और इसके अंदर कितने हमारे पास सिम लग सकते हैं, हमारा ट्रेजर बॉक्स खोल देते हैं। अरे सिम जेटर टूल कहाँ है, होना चाहिए। अरे वाह, अलग ही कहानी है, पीछे की साइड पर नोट लिखा हुआ है, और पहली बार देखा है किसी ऐसे पेज पे साइड पे जो है सिम इजेक्टर टूल मिल रहा हो हमको, और ट्रेजर बॉक्स की कहानी। तो ये हमारी ट्रेजर, सो हाइब्रिड सिम स्लॉट है, यानी कि दो सिम लगा सकते हो या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड। हाइब्रिड सिम स्लॉट इज अ फ्लॉ, क्योंकि हमें दोनों सिम भी लगानी होती है, एक मेमोरी कार्ड भी लगाना होता है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। सो हमारे पास में कुछ पुराने फोन है, और इसी प्राइस सेगमेंट के अंदर 695 पहले भी हमारे पास में आए, नोट C2 में भी 695 5G प्रोसेसर था, एग्जैक्ट सेम प्रोसेसर। अगर आप चाहो तो वो फोन भी ले सकते हो, 500 रुपये सस्ता पड़ जाएगा, बस ये फर्क है कि उसमें 2GB रैम कम मिलेगी, बाकी एग्जैक्टली बहुत सारी चीज सिमिलर मिलने वाली है। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैमरा की, सो वीडियो के अंदर जो मैक्सिमम मैं शूट कर सकता हूँ वो है यहाँ पे 1080p 30fps, उससे ऊपर मैं जा ही नहीं सकता। सो 720 और 1080p उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ खूबी भी है, पहली चीज एक 5G प्रोसेसर है, और दूसरी चीज अब की बार कुछ स्कोर्स मैं आपको बताता हूँ, हम सबको पसंद है स्कोर्स। सो सिंगल कोर में यहाँ पे 829 है, जो कि पर्टिकुलरली मैंने 95 से सबसे ज्यादा स्कोर अभी तक देखा है। मल्टीकोर का स्कोर भी काफी सही निकल के आया है। अगर लास्ट ईयर के आप नोट सी टू लाइट जो है उसमें सिंगल कोर 619 और मल्टीकोर में 1434 था, एंड देन रियलमी 10 प्रो में 665 और 2001 है। अगर मैं बात करूं जीपीयू स्कोर की, सो की आ रहा है लगभग 1218 के पास में, जो कि कॉन्स्टेंट है, सारे के सारे 695 लगभग 1200-1100-1300 के आसपास में रहते हैं, एंड देन यहाँ पे एंटीटू बेंचमार्क जो है लगभग 4 लाख के आसपास में जा रहा है, एंड दैट इज प्रीटी गुड। देन बात करूं मैं यहाँ पे टोटल स्कोर की,
86 का निकाल के दे दिया है, तो हमारे हिसाब से काफी सही है, फोन हिट नहीं होने वाला है ज्यादा। तो एज यू कैन सी हमने यहाँ पे बीजीएमए खेल के देखा, यहाँ पे बैलेंस पे अल्ट्रा पे जा सकते हैं और 40 fps मैक्सिमम हिट कर सकता है और आराम से 40 fps पे कांस्टेंट वो बन के रहता है। एज यू कैन सी हियर काइंड ऑफ सही है परफॉर्मेंस रियल लाइफ में भी और ऑन पेपर भी सही निकल के आ रही है और फोन काइंड ऑफ ऑप्टिमाइज्ड है। हमने कुछ इंडोर कंडीशन के अंदर कुछ फोटोज निकाले, एज यू कैन सी हियर यहाँ पे पीछे की साइड पे एक बहुत ही बड़ी सी लाइट जल रही थी। इट्स अ गुड फोटो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आगे की साइड पे 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। फेस के ऊपर थोड़ी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे पूरी तरीके से चली गई है, ये चीज यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देन ये है इसका पोर्ट्रेट फोटो, स्टिल नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, काफी सही से निकाल दिए, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। और कलर्स की बात करूँ, कलर्स के ऊपर पर्टिकुलरली मुझे एक चीज की बात करनी है। सो यहाँ पे आप कलर्स देखो, जैसे जैसे मैं आगे जाता हूँ मेरे टी शर्ट का कलर आप देखते जाना। ये आउटडोर कंडीशन के अंदर फोटो स्टिल गुड, यहाँ पे डिटेल्स काफी ज्यादा नजर आ रही है, यू कैन सी हियर। और ये है इसके रियर कैमरा से 1x में लिया हुआ फोटो। सो यस, यहाँ पे फोटो की क्वालिटी की बात करूँ सो एवरेज, और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आई थिंक इट इज एक्चुअली प्रीटी गुड फोटो। एंड देन मैं बात करूँ यहाँ पे 3x की। सो एक चीज मैंने नोटिस की है कि आप देखो मेरे शर्ट के कलर में यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, दोनों ही फोटोज के अंदर कलर्स जो है वो अनबैलेंस्ड है, एकदम एक्जैक्टली सेम नहीं है, अलग अलग निकल के आ रहा है। एंड देन ये हमने एक पोर्ट्रेट फोटो निकाला था जो कि फेल टू प्रोसेस, सो यस एज यू कैन सी हियर। एंड देन मैंने एक और फोटो निकाला, एज यू कैन सी यहाँ पे पोर्ट्रेट कैसा आ रहा है देख सकते हो। एंड देन ये हमने इसका एक एक्स्ट्रा HD वाला जो ऑप्शन 108 का एग्जैक्ट इसका जो लेंस है उससे हमने फोटो निकाला है, एज यू कैन सी हियर। मैं काइंड ऑफ HD बनाने की कोशिश कर रहा था पर पता नहीं क्या हो गया। फोटो की बात करूं तो काफी सही है फोटो, 108 के हिसाब से कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे आप वीडियो उसका कैसा आ रहा है जज कर सकते हो। ये है तो न्यू OnePlus Note CE 3 Lite और आवाज कैसी आ रहा है बता सकते हो। देन क्वालिटी ऑफ द वीडियो जो कि है 1080p 30fps मैक्सिमम जो जा सकता हूँ मैं, पता नहीं क्यों 695 आजकल हर फोन में आ रहा है। बहुत सारे लिमिटेशंस भी है जैसे कि एक वीडियो क्वालिटी। तो इस बैटरी लाइफ की अगर बात करूं तो एक दिन का बैटरी का आराम से दे देगा। तो इस गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या फोन लेने लायक है या नहीं है। बात करते हैं यहाँ पे कैमरास की, सो आई विल नॉट रिकमेंड दिस फोन। तो इस परफॉर्मेंस वाइज और डे टू डे लाइफ में आप यूज करना चाहते हो तो यूज आप कर सकते हो, और आई विल नॉट रिकमेंड पर्टिकुलरली कैमरा के लिए अगर आप फोन ले रहे हो, बाकी अदरवाइज नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक बार के लिए अच्छा डिस्प्ले आराम से आप काम कर सकते हो, और एक चीज OnePlus की ब्रांडिंग चाहिए, सो यस आप एक बार के लिए कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज जो भी चीज बताइए ऐसी चाहिए चीज अपने ध्यान में रखना उसी चीजों के अराउंड देखते हुए आप डिसीजन लेना। सो यस गाइस आई होप मेरे इस ओपिनियन से और इस वीडियो से आपके बाइंग डिसीजन में हेल्प हो पाएगी। अभी के लिए गुड बाय।